सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यताओं का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में उत्तर मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। सादा 600 ईस्वी पूर्व इसका नाम वेदों में मिलता है, जो इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण देने वाला प्रख्यात ग्रंथ है, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है। और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है, संबंधित पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना मौखिक रूप से एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले द्वारा सटीक रूप से प्रेक्षित की गई है, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज प्रतिशतनात्मक तथा प्रतिशतनात्मक था। आरंभिक वैदिक आय पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक देहाती तरीका था। चारों ओर से 1200 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिम गंगा के मैदान में फैल गए और उन्हें लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरु साम्राज्य के रूढ़िवादी यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक जटिल सामाजिक विभेदीकरण शहरों राज्यों और एक जटिल सामाजिक भेदभाव के उद्भव की विशेषता थी। इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में सच्चे शहरों और बड़े राज्यों महाजनपद कहा जाता है, ये उदय के साथ साथ आंदोलनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक रूढ़िवादियों को चुनौती दी। वैदिक काल में सामाजिक
वर्गों का एक पदा सामाजिक वर्गों का वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के एक पदानुक्रम का उदय हुआ जो प्रभावशाली रहेगा। वैदिक धर्म ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी में विकसित हुआ और कामन युग की शुरुआत के आसपास वैदिक परंपरा ने तथाकथित हिंदू संश्लेषण के मुख्य घटकों में से एक का गठन किया। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लालवेर संस्कृति और चित्रित ग्रे वेर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों का संस्कृति शामिल है। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 14 से 15वीं काल में हुई। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। अनंतर रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। अनंतर चार्वाक्य, तांत्रिको, बौद्ध, जैन धर्म का उदय भी हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल के निर्धारण में विद्वान एकमत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म 550 ईस्वी पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के तीन ग्रंथों की रचना को मानने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया। इस तरह ऋग्वेद की रचना काल को 1200 ईस्वी पूर्व के करीब मान लिया गया, पर निश्चित रूप से उसके आकलन का कोई आधार नहीं था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व। इस काल के तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रही है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में
सटीक जानकारी। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि इस काल तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर ने जब अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईस्वी पूर्व के आरंभ में बताया था, उसके समकालीन विद्वान डब्ल्यू डी इटनी ने इसकी आलोचना की थी। उसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी या 1500 ईस्वी पूर्व में हुई थी या 2000 या 3000। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, फारस और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्था की सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलती जुलती है। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व आता है, लेकिन बोगाज कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवी देवताओं इंद्र, मित्रा, वरुण, नासत्य आदि का देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। बाल गंगा तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसका काल 6000 ईस्वी पूर्व माना है। हरमोन जैकोबी ने इसे 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच आंका था। वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विटरन नित्य ने इसे 3000 ईसा पूर्व का बताया था।